जय हिंद साथियों नमस्कार आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी कि एग्जामपुर का जो हमारा स्पेशल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कब सीरीज है यदि आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने OTA, या सीएपीएफ की कोर्सेज को परचेज नहीं किया है तो यह आपके लिए आखिरी मौका है कि टेंटर सितंबर 2022 के रात बारह बजे तक डिफेंस 60 कूपन कोड को यूज करके आप 60 परसेंट डिस्काउंट के साथ इन सभी कोर्सेज को बाय कर सकते हो तो देर किस बात की फटाफट आज ही जाकर के आप लोग इन कोर्सेज को परचेज कीजिए जय हिंद जय भारत दोस्तों आई गेस आप सभी तक आवाज आ रही होगी अगर आप सभी तक आवाज आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें जय हिंद आई गेस आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी प्रेपरेशन को सही दिशा में आगे लेकर जा रहे होंगे सो गाइस बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम आपके साथ सबसे खास टॉपिक साझा करने वाले हैं आप सभी को वो में बहुत सारी दिक्कतें अक्सर होती होंगी एंड गाइस उन सभी दिक्कतों को आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं अगर आपको एटिमोलॉजी के बारे में थोड़ी भी जानकारी हो इसीलिए गाइस मैं आपके साथ चूंकि आप सभी जानते अपने कोर्स को मैं बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहा हूं तो आप सभी देखेंगे मेरे जो लेक्चर्स आपके साथ साझा किए जा रहे आर सो बेसिक कि एक बच्चे को शुरुआत से जिन जिन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए वे सभी उस तक पहुंचते रहे तो गाइज आज के सेशन के माध्यम से मैं आपके साथ जो टॉपिक साझा कर रहा हूं दैट बेसिकली इज एटीमोलॉजी व्हाट डू यू मीन बाई एटीमोलॉजी एंड वॉट एग्जैक्टली इट इज लेट्स लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सो एटीमोलॉजी को वास्तविक शब्दकोश अगर आप देखें तो व्युत्पत्ति शास्त्र कहा जाता है वट मीन बाय व्युत्पत्ति शास्त्र व्युत्पत्ति शास्त्र ये बताता है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है वो कैबलरी नाइनटी परसेंट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मैं कहूंगा मुश्किल भरा हिस्सा है सभी के लिए वो कैब याद करना और याद रखना दोनों ही बहुत मुश्किल भरा होता है एंड इस समस्या का एक ही समाधान है आप सभी को व्युत्पत्ति शास्त्र यानी एटीमोलॉजी की अच्छी जानकारी होना so guys, हम आप सभी के साथ इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से एक अच्छी नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी साझा करने वाले हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में एटिमोलॉजी को और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी के लिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा तो गाइज सेशन को आप सभी शेयर जरूर कर दें सेशन को आप सभी एक बार शेयर जरूर कर दें मैं आप सभी से उम्मीद लगा बैठा हूं कि आप सभी सेशन को शेयर जरूर करेंगे सो so, सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर कर दे एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर कर दे एक बार ओके okay, सो so, जो बच्चे सेशन से जुड़े हैं मैं उन सभी को कहूंगा कि एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और बच्चे इस सेशन से जुड़ सके अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेशन से पूरे तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं तो एज यू कैन सी दैट द एटीमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द दिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स किसी शब्द का क्या अर्थ है उसका क्या इतिहास है उसके क्या तात्पर्य निकलते हैं कहां से वो ओरिजिनेट होता है उसका अर्थ क्या है उसकी इतिहास क्या है यानी शब्दों और उसके अर्थों के उद्भव विकास का अध्ययन शब्दों का विकास कैसे हुआ इसका अध्ययन एटीमोलॉजी कहलाता है एटीमोलॉजी इज दी स्टडी ऑफ दिजिन ऑफ दी वर्ड इट मीन्स एटीमोलॉजी विज्ञान शब्दों की उत्पत्ति का एक अध्ययन है इंग्लिश लैंग्वेज इज लिविंग एंड ग्रोविंग आप जानते इंग्लिश भाषा दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही है जो उसकी खामियां हैं उसे दूर करके उसमें इंप्रूवमेंट किया जा रहा है सो ऑल दो मेनी ऑफ आवर वर्ड्स है टाइम हर समय नए नए शब्द एड होते रहते है ना आप सभी जानते हैं कि हमारी कई शब्द भाषा का हिस्सा सालों से रहे लेकिन हर समय नए शब्द जोड़े जाते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीके जो हमारी भाषा को प्रभावित करते हैं अगर हम ये जान लें कि कौन कौन से हिस्से हमारी भाषा को प्रभावित करते हैं तो शायद एक विद्यार्थी के लिए यह समझना बहुत आसान हो जाएगा कि शब्द बने कैसे शब्दों का विकास कैसे हुआ आज जिन शब्दों को हम देख रहे हैं आज वर्तमान के शब्द पहले क्या थे तो गाइज इसी चीज को हम एटीमोलॉजी में पढ़ते हैं तो गाइज सबसे पहला जो एक प्रभाव देखने को मिलता है वो है डिराइव फ्रॉम फॉरन वर्ड्स याद रखना इंग्लिश भाषा के जो शब्द हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव अन्य विदेशी भाषाओं का पड़ा और अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों को इंग्लिश भाषा ने स्वीकारा है दैट इज वाय अंग्रेजी कई मामलों में आमतौर पर विदेशी शब्दों को शामिल करने और इसका विस्तार किया गया है हमारी अधिकांश भाषा में प्राचीन एंग्लो सैक्सन या लैटिन मूल है यानी जो ओल्ड इंग्लिश होती थी वो लैटिन और एंग्लो सैक्सन होती थी आज जिसे हम इंग्लिश कहते हैं वो उसी के मुझे लगता है ट्री से आई है अन्य भाषाओं ने भी हमारी शब्दावली में जोड़ा है यानी कि इंग्लिश के जो वर्ड्स आप देखते हैं वो प्योर इंग्लिश के ना होकर के कुछ एंग्लो सैक्सन है कुछ लैटिन है कुछ ग्रीक हैं कुछ फ्रेंच हैं बहुत सारे भाषाओं का प्रभाव भाषा इंग्लिश पे पड़ा और इंग्लिश के शब्दों का विकास अन्य भाषाओं के मदद से साबित हुआ इसके अलावा टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विकास हुआ टेक्नोलॉजी के विकास से भी भाषा पे बहुत प्रभाव पड़ा जैसे अगर हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है जैसे अगर हम बात करें मान लो लाइकवाइज हमारी जो वर्तमान की रुचियां हैं प्रवृत्तियां हैं नवाचार हैं ये सभी हमारी भाषा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो कंप्यूटर बाइट्स मॉनिटर डिस्क ये सभी शब्द उस समय तक डिक्शनरी में थे ही नहीं जब तक कंप्यूटर का विकास नहीं हुआ था यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे नई सामने आती है नई टेक्नोलॉजी आने पर डिक्शनरी में नया शब्द अपने आप स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है नई नई अगर हम बात करते हैं रुचियां जैसे सेल्फी या फिर ब्लॉगिंग ये जो नई नई रुचियां ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको देखने को मिलती हैं इसी इसी प्रकार से, इसी प्रकार से से कुछ एडिशनल थॉट्स भी हैं लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी और उत्पादों के माध्यम से परिवर्तन भी हमारे शब्द को प्रभावित करता है जैसे हमारे शब्द अक्सर वर्तमान की रुचियों और नवाचारों से को दर्शाते हैं यश और नो अब गाइस याद रखें उत्पादों के विकास के माध्यम से भी हमारी भाषा में नए शब्द आ जाते हैं जैसे जैसे क्लिनिक्स वॉकमैन ज़ेरोक्स है ना ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आए कुछ लोगों का नाम भी कहीं ना कहीं भाषा को प्रभावित किया है जैसे अगर आपने एक वर्ड सुना हो मैस्मराइज आपको आज जान करके आश्चर्य होगा मैस्मराइज यानी चकित हो जाना बेसिकली किसी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है मैस्मराइज शब्द बना है एफ ए मैस्मर जो कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर और हाइपोनटिस्ट थे इनके नाम से ये वर्ड मेस्मराइज बना यानी व्यक्तियों का नाम भी भाषा को बहुत प्रभावित किया है जैसे अगला वर्ड है एम्ब्रोस एम्ब्रोस भी एक ऐसा वर्ड है जो कि बेसिकली एक यूनियन जनरल के नाम से इंस्पायर्ड है यानी लोगों के नाम कभी कभी जब कोई व्यक्ति किसी चीज का अविष्कार या परिचय देता है तो वह चीज उस व्यक्ति के नाम से जुड़ जाती है व्यक्ति समय के साथ भुला दिया जाता है जबकि नाम हमारी भाषा में रहता है जैसे मेसमराइज uh, करना मंत्र मुग्ध करना ये एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर और सम्मोहन के द्वारा आई गेस नाम पड़ा है उनके नाम पर और इसी तरीके से अब वर्ड्स फ्रॉम लेटर्स बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे टीवी अब टीवी कोई शब्द नहीं है दरअसल ये टेलीविजन का शॉर्ट फॉर्म है तो इसी प्रकार बहुत से नए वर्ड्स भी डिक्शनरी में जुड़ते गए जैसे टीवी डी डब्ल्यू आई सी ओ डी जेड आई पी तो शब्दों का भी प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है ये और नो चलो इसके अलावा कह रहे हैं वर्ड हिस्ट्री क्या क्या वर्ड हिस्ट्री है शब्द का इतिहास कुछ शब्दों का रोचक इतिहास भी होता है अर्थ के पीछे की कहानियों को सीखना उन शब्दों को सीखने का एक अच्छा तरीका है जैसे फुटमैन कभी घर में प्रवेश करते समय यदि कोई व्यक्ति दरवाजे की दहलीज पर कदम रखता है तो आप अपशगुन लाने वाला माना जाता यानी पहले समय कभी घर में प्रवेश करते समय अगर कोई व्यक्ति दरवाजे की दहलीज पर कदम करता। आपको शायद आज तो नए घरों में नहीं देखने को मिलता होगा आप मंदिरों में जाते समय इस चीज को आज भी ऑब्जर्व करते हो मंदिरों की दहलीज पर पांव नहीं रखा जाता है इसे अपशगुन मानते हैं तो अगर कोई व्यक्ति दहलीज पर पांव रख दे तो उसे अपशगुन मानते हैं यसो और लोगों ने अपने दरवाजे पर खड़े होने के लिए एक नौकर रखा उसका काम एक मेहमान के दहलीज पर कदम रखने से बचाना था गार्ड को फुटमैन के रूप में जाना जाने लगा देखो कितना सिंपल सा लॉजिक है। यानी गार्ड को पहले फुटमैन कहा जाता था क्योंकि वो ये देखता था कि कोई व्यक्ति दहलीज पर पांव ना रख दे फुट को गार्ड कर रहा है फुट को नजर रख रहा है पैरों पर नजर रख रहा है फुटमैन कहलाया इसी प्रकार से हुकर है ना ये एक बेसिकली प्रोस्टिट्यूट का सिनोनिम है गृह युद्ध के दौरान यह शब्द उस समय लोकप्रिय हो गया था इसमें शामिल महिलाएं कैंप फॉलोअर्स थी जनरल फाइटिंग जो हुकर ने ये एक व्यक्ति हैं जो जनरल थे अपने आदमियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी उपस्थिति को मंजूरी दे दी थी कि भाई ये महिलाएं वह आ सकती हैं इसलिए हुकर शब्द उन सभी प्रॉस्टिट्यूट के लिए पड़ गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि शब्दों के पीछे एक इतिहास भी होता है यानी हिस्ट्री भी शब्द को प्रभावित करती है अब इसी चीज को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ खास बेसिक तथ्य रखना चाहता हूं एंड आई वुड लाइक टू एंड आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको आज कुछ खास बताने वाला हूं उम्मीद है आप सभी तैयार होके और अगर आप सभी तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता दें हाँ सर हम सभी तैयार हैं तो गाइस मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जब भी हम किसी वर्ड की बात करते हैं तो बेसिकली कोई वर्ड जब बनता है तो शब्द बनते हैं हमेशा याद रखना रूट से यानी शब्दों की अगर हम आविष्कार की बात करें तो शब्दों का आविष्कार हमेशा रूट से होता है और इस रूट को हम बेटा बहुत सिंपल सी भाषा में जड़ कह सकते हैं जड़ यानी जिसका अर्थ सदैव निश्चित होगा यस और नो रूट का अपना खुद का अर्थ होगा और ये अपने अर्थ में निश्चित होगा अब इसी रूट के पहले आपने यदि मान लो प्रीफिक्स लगा दिया या इसी शब्द के बाद मान लो आपने किसी प्रकार का सफिक्स लगा दिया तो गाइज इसी प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ इस रूट के अर्थ को थोड़ा थोड़ा बदला जाएगा प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई अर्थ नहीं होता याद रखना ये रूट के साथ जुड़ करके रूट के अर्थ में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हैं और इस प्रकार से अगर मैं रूट बदलता जाऊं प्रस बदलता जाऊं सफिक्स बदलता जाऊं तो नया शब्द बनता जाएगा जैसे हमारा शरीर आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर बेसिकली अलग अलग सिस्टम के साथ बना है जैसे तंत्रिका तंत्र है इसमें यसा नो कंकाल है मांसपेशिया हैं ऑर्गन है ये सभी शरीर का निर्माण करते हैं वैसे ही जब बात होती है वर्ड आई गेस बिल्डिंग की कैसे हम अपनी शब्द का निर्माण करते हैं शब्द का निर्माण बेसिकली होता है रूट के साथ प्रेफिक्स और सफिक्स जोड़ करके अगर हमारे प्यारे बच्चों को प्रेफिक्स की सफिक्स की और रूट की अच्छी जानकारी हो जाए तो फिर शब्दों का एटीमोलॉजी मतलब शब्दों का निर्माण कैसे हुआ इसका क्या अर्थ है यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आज की क्लास में बेसिकली हम इसी रूट इसी प्रीफिक्स और इसी सफिक्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और इन्हीं के माध्यम से हम शब्दों का निर्माण देखेंगे यानी हम आज बात कर रहे हैं एटीमोलॉजी ऑफ वर्ड्स पे उम्मीद है आप सभी तैयार हैं तो गाइज स्क्रीन पर आप एक बार ध्यान से देखें और सबसे पहला जो अर्थ है रूट है दैट इज एसीटी यानी एक्ट आपने एक्ट का इस्तेमाल बेसिक वर्ब के जैसे भी किया होगा जैसे कोई काम करने को हम एक्ट करना कहते हैं जैसे अगर आप कोई काम करते हो तो आप एक्ट करते हो एक्ट करने को काम करना नाटक करना भी कहा जाता है इसी से एक नाउन बन गया एक्टर आपने एक्ट में ई er आर जोड़ दिया एक्ट में आई एन जी जोड़ दिए तो एक्टिंग हो गया यस और नो यानी आप क्या कर रहे हो आप एक रूट ले रहे हो और उस रूट में कुछ आगे कुछ पीछे जोड़कर यानी सफिक्स और प्रिफिक्स जोड़कर यानी कल की क्लास में अगर आप देखें तो एफिक्स को जोड़कर आप शब्द का निर्माण कर रहे अब guys, अगर आप ध्यान से देखो तो आप रियलाइज कर पाओगे कि मैंने रूट लिया है एक्ट और इस एक्ट रूट का अर्थ होता है ईदर टू मूव और टू डू यानी अगर कोई मूव करे या कुछ करे तो उसको आप एक्ट कह सकते हैं एक्ट में कभी कोई व्यक्ति स्टिल यानी कि अवस्था में नहीं हो सकता एक्ट में वह व्यक्ति गति अवस्था में होगा कुछ ना कुछ कर रहा होगा चाहे वो डांस हो क्योंकि वो गति है एक्ट कहलाएगा चाहे मिमिक्री हो गति है एक्ट कहलाएगा कोई भी चीज जिसमें गति हो यानी वो मूव करे या कुछ काम हो रहा हो तो उसे आप एक्ट कह सकते हैं अब इसी एक्ट में मैंने एक प्रीफिक्स ऐड कर दिया डी यानी रीड आप देखें तो आप कहेंगे हमारा ये जो वर्ड है रिडेक्ट ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है पहला पहला शब्द है हमने यहां पर पहला शब्द रखा है आर -E दूसरा ए सी टी यानी ये अपना एक अलग अर्थ रखेगा ये अपना एक अलग अर्थ रखेगा इन दोनों शब्दों को जोड़ने पर शब्द बना रिडेक्ट और रिडेक्ट का अर्थ कहीं ना कहीं एक्ट की जगह पर टू मूव या टू डू होगा तो याद रखें रिडेक्ट बेसिकली एक वर्ब है रिडेक्ट का अर्थ होता है टू रिमूव वर्ड्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बिफोर इट इज प्रिंटेड यानी जब आप किसी शब्द को उसके लिखे हुए स्थान से हटा देते यानी शब्द जहां लिखा हुआ है वहां से जब आपने उसे हटा दिया तो आप इसे रिडेक्ट कहते हैं रिडेक्ट का अर्थ होता है टू रिमूव वर्ड्स टू रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट बिफोर इट इज प्रेजेंटेड और मेड अवेलेबल टू द पब्लिक जैसे आप यहां पर देखो यहां पर कुछ बातें लिखी गई थी लेकिन इनमें से कुछ ऐसी बातें थी जो संवेदनशील थी ये जानकारी व्यक्तिगत नहीं की जा सकती तो उस जानकारी को वहां से छिपा दिया गया हटा दिया गया आपने अक्सर देखा होगा कई जगहों पर जहां आपको ये बताया जाता है कि आपको अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करना है पैसे कैसे जमा करने हैं आपको पैसे कैसे निकालने हैं आप अकाउंट का पासवर्ड कैसे बदल सकते हो एटीएम कैसे मंगा सकते हो आपने अक्सर देखा होगा वहां पर अकाउंट नंबर लिखे होने पर कुछ हिस्सों को गायब कर दिया जाता है आपको उदाहरण देने के लिए उन्होंने बताया है पर उन्होंने कुछ हिस्सा गायब कर दिया अकाउंट नंबर गायब कर दिया मोबाइल नंबर गायब कर दिया क्यों क्योंकि ये संवेदनशील जानकारी है वो इसके इसे किसी के साथ साझा नहीं कर सकते तो उसे क्या कर दिया रिडेक्ट कर दिया रिडेक्ट करना मतलब दी गई जानकारी में से किसी को साझा साझा ना करने के लिए गायब कर देना फॉर एग्जाम्पल अगर आप सभी ने अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट चैट का स्क्रीनशॉट कभी किसी को भेजा हो या स्टेटस पे लगाया हो आपने अक्सर उस व्यक्ति का नाम या उसका फोन नंबर मिटा दिया है ब्लर कर दिया है या उसे आपने कलर कर दिया है ताकि मैसेज तो पहुंच जाए लोगों के पास परंतु यह पता ना चले कि यह स्क्रीनशॉट या ये कॉन्वर्सेशन आपकी किसके साथ हुई या जब भी आप किसी को अपना अकाउंट स्टेटमेंट भेजते हो तो आप उससे अपना टोटल अवेलेबल बैलेंस मिटा देते हो ताकि किसी को यह संवेदनशील जानकारी ना मिले इसी जानकारी मिटाने को रिडैक्ट कहते हैं इसमें एक्ट का अर्थ है आपने संवेदनशील जानकारी को वहां से हटा लिया यस और उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा सभी को क्लियर है ना अब एग्जाम्पल यहां पे देखो एग्जाम्पल कह रहा है सम पार्ट्स ऑफ सीक्रेट फाइल्स आर अवेलेबल टू द पब्लिक बट हैवली रिडेक्टेड वट डू यू मीन बाय दिस बेसिकली दिस मीन्स की सीक्रेट फाइल के कुछ हिस्से पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण जानकारी को रिडेक्ट कर लिया गया है मतलब हटा लिया गया है लाइक like दिस उम्मीद है आपको समझ आया होगा अब गाइज सेम रूट है डैट इज एक्ट इसी से अभी हमने बनाया था रिडेक्ट अब अगला है दैट इज इंटर एक्ट इंटर एक्ट भी दो शब्दों से मिलकर बना इंटर और एक्ट जहां अभी ये पिछले शब्द में जहां अभी ये पिछले शब्द में एक वर्ब था रिडेक्ट एक वर्ब था अब ध्यान से देखो ये एक नाउन बन गया इंटर एक्ट एक नाउन है इंटरक्ट में भी एक्ट का अर्थ वही सेम है एक्ट का यहां पर मूव या डू करने से कोई आई गेस लेना देना जरूर होगा इंटरेक्ट बेसिकली मीन्स टू कम्युनिकेट विथ सामबदी वेन यू कम्युनिकेट विथ सामबदी दैट मीन्स जब आप किसी से बात करते हो यानी आप उसकी तरफ मूव कर रहे हो वो आपको जान रहा है और यू डू समथिंग तो वहां पर आप इंटरैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो टू कम्युनिकेट विथ सामबदी स्पेशली वाइल यू वर्क यू प्ले और स्पेंड सम टाइम विथ देम आप जब उनके साथ कुछ देर काम करते हैं खेलते हैं या आप उनके साथ समय बिताते हैं और उस दौरान जब आप उन्हें जान रहे होते हैं तो इसे आप इंटरैक्ट करना कहते हैं गाइस, उम्मीद है आप सभी को समझ आ रहा होगा मुकेश यादव बेटा सीएपीएफ का कंप्लीट पेपर स्पेशली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग थ्रू आउट यूट्यूब चैनल पर मैं पढ़ाता आया हूं पढ़ाता रहूंगा और पढ़ाऊंगा तो आप बिल्कुल परेशान ना हो आपको CAPF में कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का प्रयास करें कह रहा है इट इज इंटरेस्टिंग एट पार्टीज टू सी हाउ पीपल इंटरैक्ट सोशियली है ना इस तरीके से आप इंटरैक्ट का एग्जाम्पल देख सकते हैं गाइस देखो

और अब अगर हम आगे चले जाए तो आप देखे एक्ट से एक्टिव और प्रो एक्टिव बन गया आप इस प्रो एक्टिव में भी इस रूट को देख पा रहे होंगे इसमें प्रो जो है वो प्रीफिक्स है आई वी ई सफिक्स है एक्ट रूट है यानी ये तीन चीजों से मिलकर बना है रूट प्रीफिक्स और सफिक्स सफिक्स क्या है आई वी ई क्या है प्रो रूट क्या है एक्ट अब प्रो एक्टिव क्या होता है प्रो एक्टिव बेसिकली एक विशेषण है एडजेक्टिव है प्रो एक्टिव एक एडजेक्टिव है और यहां भी एक्ट की मीनिंग यही होगी टू मूव और डू अब गाइस अगर आप ध्यान से देखें तो प्री, आ, प्रो एक्टिव का मतलब होता है कंट्रोलिंग अ सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स है वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड देन रिएक्टिंग टू देम यानी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी समस्या को आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन दे दे बजाय उसका इंतजार करने के लिए कि जब समस्या आएगी तब हम गड्ढा खोदेंगे है ना तो so गाइज जो पहले ही किसी चीज का सॉल्यूशन दे देता है उसको हम प्रोएक्टिव कहते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि भाई यहां पर एक प्रॉब्लम सामने आ रही थी कुछ लोग थे जो कि जब प्रॉब्लम आ गई सामने तब उसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए और एक व्यक्ति था जिसे पता था ऐसी प्रॉब्लम आ सकती उसने पहले से ही प्रिकॉशन ले लिया था उसके सामने वो प्रॉब्लम आई ही नहीं तो ऐसा व्यक्ति जो पहले से तैयारी कर ले उसे आप प्रो एक्टिव कहते हो फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे ऐसे होते जो सोचते हैं कि सर जब मैं एग्जाम का फॉर्म आएगा ना तब पढ़ाई शुरू करूंगा और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जब टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया उसी समय से लग जाते हैं भाई पेपर खत्म हुआ नया पेपर अब आने वाला है अभी से जग जग जाओ तो जो बच्चे अभी से जुड़ चुके हैं वो हैं प्रोएक्टिव और जो एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी तब जुड़ेंगे फिर उसके बाद एग्जाम का डेट आने पर जुड़ेंगे फॉर्म भर देंगे तब जुड़ेंगे परीक्षा के दस दिन पहले जुड़ेंगे सो so, बेटा उन्हें आप रिएक्टिव कहते हो बेसिकली प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले ही तैयारी कर लेना एग्जांपल देखो कंपनीज आर गोइंग टू हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव अबाउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यहां पर आप प्रोएक्टिव का एक अच्छा इस्तेमाल देख सकते हो फिलहाल मेरा फोकस आपको प्रोएक्टिव शब्द सिखाने में नहीं है ये क्लास थोड़ी डिस्क्रिप्टिव इसलिए क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि शब्द बने कैसे हैं आज हम ओरिजिन ऑफ वर्ड्स पर डिस्कशन कर रहे हैं तो गाइज आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं द वर्ड इज इन आप अनुमान लगाओ इन का क्या यहां पर सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम क्या हो सकता है जस्ट गिव इट अ ट्राई देन आई विल बी आई गेस सेटिस्फाइड कि हाँ मेरे बच्चों को आज ओरिजिन ऑफ वर्ड्स का लॉजिक समझ आया वो अब शब्दों में उसके रूट शब्दों में उसके सफिक्स शब्दों में उसके प्रिफिक्स को गौर से ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड बाय द टाइम अगर आपको ये सारे रूट ये प्रीफिक्स और सफिक्स याद हो जाएं, आपके लिए वो कैब आसान हो जाएगी कवच बैच में बेटा सबसे पहले आपको पेपर वन और ग्रामर साथ में मिलेगी पेपर टू का ग्रामर सेक्शन आपका बहुत लेंदी है वो शुरू से चलेगा ग्रामर खत्म हो जाने के बाद मुझे लगता है तीन चार महीने तीन चार ज्यादा हो जाएंगे शायद एक या दो महीने बाद आपका पेपर टू शुरू हो जाएगा पर पेपर टू के पहले हम ग्रामर पहले ख़त्म कर देंगे ंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज कि अगर हम बात करते हैं इनएक्ट का तो इन का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना है ना इनएक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना कैसे पता लगाए इन मींस एक्ट का अर्थ तो है ही कुछ करना अबॉलिश फर्म एग्जिस्टिंग और एग्जीक्यूट एक्जीक्यूट के अंदर ही कुछ करने का भाव है इसलिए एग्जीक्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा टू पास अ लॉ टू टेक प्लेस और टू पुट समथिंग इन टू प्रैक्टिस इज नोन एज एग्जीक्यूट इन एक्ट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूट सभी को समझ आया सभी को समझ आया वेरी नाइस वेरी नाइस सो गाइज दिस इज हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ओरिजिन ऑफ वर्ड्स बता सकूं आज की क्लास को वोकैब क्लास मत समझ लेना आज मैं वो कैबलरी सिखाने की बजाय वो कैबलरी कैसे बनी उसका ओरिजिन उसका आपको आज जन्म कैसे हुआ ये बात मैं आपको सिखा रहा हूं सभी को क्लियर है तो गाइज ओके okay. अगला अग गाइस एक और हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज है ना आप इसे एग्जैक्टिंग भी कह सकते हैं अब आप मुझे बताएं एग्जैक्टिंग का क्या अर्थ हो सकता है सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा एग्जैक्टिंग का क्या अर्थ हो जाएगा जल्दी बताएं गाइस नहीं बेटा भारतीय नहीं थ्री महीने आई गेस फॉर सीडीएस सीए एंड एफकेट होंगे है ना तो वो एफकेट के लिए सी के लिए होगा ऐसा नहीं है बाकी आप एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना आप एक बार इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना बेटा चलो तो गाइस कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू एग्जैक्टिंग चार चॉइस हमारे सामने है जल्दी आंसर दो तो गाइस करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन चॉइस नंबर ए दैट इज डिमांडिंग अ लॉर्ड ऑफ एफर्ट एंड केयर इस और नो डिमांडिंग अ लॉर्ड ऑफ एफर्ट एंड केयर और अटेंशन स यू इफ यू डिमांड समथिंग टू डू दैट इज एग्जैक्टिंग उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन की तरफ जा रहे होंगे पर आई नो आप वहां जाओगे इसीलिए ऑप्शन में उस शब्द को रखा है बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन चॉइस नंबर ए सभी को क्लियर है गाइस सभी को क्लियर है हां जी बेटा डेफिनेटली दैट इज अंठानबे नवासी छह सौ एक पांच सौ नवासी थैंक यू ओके तो गाय उम्मीद है आप सभी को यहां पर दिखा होगा है ना डिनोटिंग मनी से कोई लेना देना नहीं है ंग yes no. बहुत ऑकवर्ड वियर्ड है डिमांडिंग अ लॉर्ड ऑफ एफर्ट एंड केयर इज एग्जैक्टिंग क्योंकि इसी में कुछ करने का भाव है अब इसी प्रकार से, अभी हमने एक्ट की बात की और मैंने एग्जाम्पल लिया ये मत समझना एक्ट के सारे प्रिफिक्स सारे सफिक्स और सारे रूट खत्म हो चुके मैं केवल आपको आज एग्जाम्पल दे रहा हूं कि दिस इज हाउ वर्ड कैन बी प्रिपेर अगला एक और एग्जाम्पल रूट ले रहा हूं दैट इज बेने बेने मीन्स गुड बेने मीन्स वेल यहां पर आप देखो अगर कोई चीज बहुत अच्छी है जैसी उसे होनी चाहिए तो आप इसे बेने बेने का अर्थ है गुड या वेल well कह सकते हो अभी आपने कुछ देर पहले सीखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस से बनी है वर्ड्स कई सारे फॉरेन लैंग्वेज के इसे प्रभावित करते हैं तो वैसे ही लैटिन वर्ड्स हैं बैने बैने बेसिकली लैटिन वर्ड है कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं जो इससे इफेक्ट करते हैं ग्रीक वर्ड के रूट से आपके बहुत सारे शब्द इंग्लिश भाषा में बने तो बैने का मतलब होता है गुड और वेल अब बैने से एक शब्द यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं दैट इज बेनाइन बेनाइन का मतलब क्या होता है बेनाइन बेसिकली एक एड्जैक्टिव है और बेनाइन का मतलब होता है प्लीजेंट एंड काइंडी इज बेनाइन इट मींस दैट ही इज वेरी प्लीजेंट ही इज वेरी काइंड एग्जाम्पल देखो कह रहा है द्यूमर इन मुंशी प्रेम चंद स्टोरीज मुंशी प्रेमचंद्र की स्टोरी कहानी में जो ह्यूमर है वो बेनाइन हर्टफुल never never मुंशी प्रेम चंद्र जी की कहानी में जो ह्यूमर है कभी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा किसी भी प्रकार से क्रूअल नहीं है यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई द ह्यूमर इन मुंशी प्रेमचंद स्टोरीज वॉज बेनाइन यहां पर आप इस प्रकार प्लीजेंट एंड काइंड का प्लीजेंट एंड काइंड का आपने यूज uh, किया सभी को क्लियर है थैंक यू तो क्या आपने देखा कि बेने एक वर्ड है इसी से हमने आईजीएन लगाकर एक शब्द बनाया ये जो सफिक्स है ना ये जो सफिक्स है आपको बस इसी को ध्यान से समझना है बिकॉज सारा खेल इसी का है रूट प्लस सफिक्स रूट प्लस प्रिफिक्स रूट प्लस रूट दिस इज हाउ वर्ड्स आर फॉर्मड अब देखो इस एक और वर्ड है बना उसी रूट से दैट इज बेने बेने का अर्थ है गुड या वेल लेकिन अब शब्द बदल गया क्योंकि आपने यहां पर बेने फैक्टर आपने इस्तेमाल कर दिया बेनिफैक्टर अपनी पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ना उन्हें याद रखना बेनिफैक्टर क्या होता है अ पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन सच है स्कूल और ऑर्फेनेज और चैरिटी आप उसे बेनिफैक्टर कहते हो सभी को क्लियर है गाइस बेनिफैक्टर बेसिकली एक पर्सन है जो कि मदद करता है लोगों का भला करता है लोगों का अच्छा करता है बेनिफैक्टर एक व्यक्ति होगा जो किसी दूसरे व्यक्ति का भला करेगा अच्छा करेगा किसी की भलाई का काम करेगा अब ये भलाई का भाव बैने से आया है बैने शब्द है इसलिए इसमें भलाई का भाव आया है एंड दिस इज हाउ दिस वर्ड इज बेसिकली ओरिजिनेटेड और ये शब्द इस प्रकार बना है सभी को क्लियर है साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को कुछ जानकारी साझा करना चाहूंगा एंड uh, जैसा कि आप सभी जानते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सी डी एस वन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए हमारे कवच बैच आपके साथ साझा किए जा रहे हैं सो यू हैव द चॉइस टू अवेल दीज वेरी बैचेस एक्चुअली 10 सितंबर तक हमारे कूपन कोड एप्लीकेबल है डिफेंस 60 एंड दिस विल गिव यू 60 परसेंट डायरेक्ट डिस्काउंट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ़ द कोर्स यूजिंग कोड 60 बिफोर और बाय बायथ ऑफ सितंबर यू कैन परचेज इट इन ऑफ़ टू थ्री डबल नाइन एंड इफ यू आर नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट एंड इफ यू विश टू अवेल दी ओ बैच

अब guys, मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं कुछ खास और बातें अबाउट द सेम रूट दैट वी आर डिस्कसिंग हियर एग्जाम्पल देखो कह रहा है दे होप टू फाइंड अ बेनिफैक्टर एंड टर्न द फैक्ट्री इन टू अ म्यूजियम मतलब वे आशा करते हैं कि वो किसी बेनिफैक्टर को खोज लेंगे और इस फैक्ट्री को एक म्यूजियम में बदल देंगे यस और नो जो उनकी मदद करेगा अब इसी बेने से एक और वर्ड बनाया आपने बेसिकली इसी रूट से बनाया एक ही रूट है परंतु शब्द बदल गया क्यों क्योंकि आपने प्रेफिक्स या सफिक्स बदल दिए अब बेनेफाइस अपने पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है द पेड पोजिशन ऑफ अ क्रिश्चियन प्रीस्ट इन द चार्ज ऑफ अ पैरिश याद रखो इसे हम बेनिफाइस कहते हैं ये एक पेड पोजीशन है एक प्रीस्ट की दैट इज इन चार्ज ऑफ अ पैरिश व्हेन अ लॉ ग्रांट्स अ बेनिफाइस नो वन शुड टेक इट अवे यस और नो तो इस तरीके से आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि अच्छा बेसिकली जब हम याद करते हैं तो हम पूरा वर्ड याद करते हैं और न जाने हमको कितने सारे कॉम्बिनेशन याद करने पड़ते होंगे बजाय कॉम्बिनेशन याद करने के अगर मैं ये रूट अगर मैं ये प्रीफिक्स या सफिक्स ही याद कर लू यूजिंग देम आई कैन मेक सेवरल आई गेस थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन और उन शब्दों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ए यही रीजन है कि मैंने आपको आज के सेशन में इस एटेमोलॉजी को समझाने का एक ट्राई किया एक प्रयास किया इसे एक दिन में पढ़ाया तो नहीं जा सकता लेकिन एटलीस्ट आपको प्रकाशित किया जा सकता है कि ऐसा कुछ है नाउ अगर आप इच्छुक हो तो आप एक्सप्लोर करो गाइस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है बेने से बैने वोलेंस यानी आप देखो ध्यान से तो बेने और वोलेंस दो शब्दों को आपस में जोड़कर यह शब्द बना है आपको क्या लगता है बेनेवोलेंस का क्या अर्थ होना चाहिए चूज इट वाइजली एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स तो भारतीय हुआ बेटा मैंने आपसे कहा कि आप प्लीज एक बार मुझे कनेक्ट कर लो है ना इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो नितिन मिश्रा वीएनएस पे ओके okay. सो गाइज आई होप एंड एक्सपेक्ट की आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन चॉइस नंबर डी दैट इज कम्पैशन बिकॉज बेने वोलेंस मीन्स वेन यू हैव द क्वालिटी ऑफ बींग काइंड वैन यू आर काइंड टू समबडी और टूवर्ड समबडडी वेन यू वॉन्ट समथिंग गुड फॉर हिम और वैन यू वॉन्ट समथिंग गुड टू हैपन फॉर हिम टू डू समथिंग गुड टू हिम मीन्स द क्वालिटी ऑफ बींग helpful एंड जेनरस टू समबड़ी मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा गाइस क्या मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये चीजें क्लियरली समझ आ रही हैं? इज आई एम एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग फुल्ली दैट यू गेट एवरी बिट ऑफ दिसन बिकॉज ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं आप सभी को कुछ आ, एक कहते हैं ना कि स्पार्क इस क्लास के माध्यम से देके जाऊं जिसे आप फ्यूचर में जरूर एक्सप्लोर करें सिमिलरली बेनेडिक्शन अभी हमने बात की थी बेने वोलेंस की अब यहां पर देखो एक वर्ड आ गया बेने दूसरा रूट है डैट इज डिक्ट आपने डिक्ट डिक्शनरी डिक्शन ये भी सुना होगा और ओ एन एक सफिक्स है यानी ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है बेने रूट डिक्ट रूट ओ एन सफिक्स अब बेनेडिक्शन का क्या अर्थ हो सकता है एक बार आप ट्राई करो और जरा मुझे बताओ जल्दी बताओ गाइस व्हाट डू यू थिंक सही आंसर क्या होना चाहिए और आप आज के बाद जब भी कैब या कोई भी शब्द देखो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि आप उस वर्ड को कितने स्मॉल रूट्स या सफिक्स या प्रिफिक्स में डिवाइड कर सकते हो इफ यू डू सो so, आपसे बेहतर विद्यार्थी इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता बट इफ यू अवॉइड इट आपसे बुरा विद्यार्थी और कोई नहीं होगा बेटा चूज आपको करना है कि आपको ऐसा आ, कैसा विद्यार्थी बनना है करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन चॉइस नंबर ए। डिक्ट का मतलब होता है बोलना। ये तो आप समझ ही रहे हो। डिक्शन बोला जाता है। बने मतलब अच्छा यानी जब आप किसी के बारे में कुछ भला बोलते हैं जिससे किसी का भला हो जाए अ प्रेयर आस्किंग गॉड फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन फॉर समवन कि हे भगवान हे भगवान उसे बचा लो उसे मेरे लिए बचा लो तो गाइज इसे आप बेनेडिक्शन कहते हैं मुझे उम्मीद है मुझे विश्वास है कि आप सभी को बहुत क्लियरली समझ आया होगा एंड दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गाइड यू इन सच अ वे विच इज सो ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड आई हैव चेंज माई वे ऑफ आई गेस डूइंग थिंग्स मैं बहुत ज्यादा नाम लेता था मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ एंड आई नीड योर गाइडेंस आई नीड योर सपोर्ट आई नीड योर लव क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर हम फिफ्टी मिनट का आपके साथ एक लाइव सेशन साझा कर रहे तो फिफ्टी मिनट में प्रयास रहे कि एटलीस्ट फिफ्टी एट फोर्टी एट मिनट्स तक हम पढ़ाई की बातें करें नीम लेने में बहुत सारे बच्चों ने सुझाव दिया कि सर समय जाता है और मुझे लगता नहीं कि आप नाम के मोहताज हो आप जानते हो कि मेरे टीचर नितिन मिश्रा मुझे बेहद प्यार करते हैं और हाँ सच है मैं करता हूँ और गाई साथ ही मैंने प्रयास किया है कि मैं थोड़ी अपनी बोलने की गति यानी स्पीड बढ़ाऊं एंड आई वॉन्ट इफ यू सी दैट दैट आई एम ट्राइंग लेवल बेस्ट तो आप सेशन को शेयर करो लाइक like करो और इसे पिच करो बेटा इंस्टाग्राम नितिन मिश्रा वीनेस पे आप मुझे मैंशन करो फेसबुक पर आप नितिन मिश्रा के नाम से मुझे जुड़ जाओ और मुझे टैग करो एंड दिस इज हाउ यू कैन ऑब्वियसली हेल्प मी और अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप वहां पर भी मेरे लिए कुछ कह सकते हो कुछ वीडियोस बना सकते हो फिलहाल इस क्लास को यहीं पे पॉज करता हूं कैसी लगी आपको ये क्लास क्लास कमेंट बॉक्स में में बताना ना भूलें और अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे टिल देन बाय टेक केयर अपना ख्याल रखें खूब मेहनत से पढ़ाई करें सिलेक्शन ले हम सबका नाम रोशन करें और जाते जाते अपने माता पिता का सम्मान करना उनका ख्याल करना उनकी देखभाल करना उन्हें ढेर सारा प्यार करना ना भूलें और हाँ इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे मेंशन करना जरूर फॉलो करें और जरूर मेंशन करें बेटा जय हिंद जय हिंद साथियों नमस्कार आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी कि एग्जामपुर का जो हमारा स्पेशल बैच सीरीज है यदि आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने OTA, या सीएपीएफ की कोर्सेज को परचेज नहीं किया है तो यह आपके लिए आखिरी मौका है कि टेंटर सितंबर 2022 के रात बारह बजे तक डिफेंस 60 कूपन कोड को यूज करके आप 60 परसेंट डिस्काउंट के साथ इन सभी कोर्सेज को बाई कर सकते हो तो देर किस बात की फटाफट आज ही जाकर के आप लोग इन कोर्सेज को परचेज कीजिए जय हिंद जय भारत